शनिवार को चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 34 में जोमैटो के डिलीवरी बॉयज ने एकजुट होकर अपनी मांगे रखी। डिलीवरी बॉयज का कहना है कि कैसे उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है और वेतन उतना नहीं दिया जाता, और इसके विरुद्ध में अगर कोई आवाज उठाता है तो कैसे उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। आइए देखते हैं। जोमैटो में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग सेक्टर 8 से स्टार्ट हुआ है जोमैटो का काम, ठीक है जी, सबसे पहले के बंदे हम हैं। बट आज तक जो पहले पे आउट हुआ करता था हमारा, ठीक है, वो नहीं है। टाइमिंग उसी इनका इतना बढ़ गया 16 से लेकर 18 घंटे, यानी कि हम अपना काम कर ही नहीं है। मतलब ये है कि बलवा गुलामी, बार बार हर लड़कों को तंग किया जाता है कि तुझे डिसमिस कर देंगे, काम से निकाल देंगे, तो ढंग से काम बात करेंगे, तमीज नहीं यार। हम कोई गाय भैंस थोड़े ही है कि डंडा मार के भगा दिए। कहने का मतलब दबाव में काम कर रहे हैं, प्रेशर में। रेट कार्ड इन्हों का भाजी हर हफ्ते, नाम प्रवीण है जी, रेट कार्ड हर हफ्ते चेंज होता, हर हफ्ते। तो बस इन्हों का एको इशू होंगे कि रेट कार्ड चेंज होना नहीं थोड़ा, जे असी कट करते हैं ज अपनी आवाज़ चकते हैं तो सिर्फ ये कहें भी भाई तुसी थोनू बहर कट देना। इन्हों अगे बोलन का नहीं पता, साढ़े तो ही पैसा कमा रहे हैं, इन्हों साडे नाले गल करन दा नहीं पता। कोई एक्सीडेंट होंदा, कोई क्लेम नहीं है, जे असी कहने कोई इंश्योरेंस कहते थोड़ी 3 लाख की इंश्योरेंस है, साढ़े को सबूत है यार। एक मुंडे का पिछले जी एक्सीडेंट होया सी, तां इन्हां ने कहा, इन्हां दे साडे टीएल नूं असीं फोन किया, आ भाई ने फोन किया, कहिंदा उहदे टच पॉइंट पूरे नहीं सी, उन्होंने क्लेम नहीं मिल सकता। एक एक ऑर्डर वास्ते सानू तेज चलानी पैंदी है बाइक, क्यों साडा 400 दा नुकसान हुंदा एक ऑर्डर पिछे, क्योंकि टारगेट इन्हां दा ये हुंदा है भी 11 ते है, जे 10 हो गए तो कुछ नहीं है। हमने प्रेस के सामने बोला ना, कल कहते हमारी आईडी बंद हो जाएगी, जेड़ा हाईलाइट हो जाता साडे जो बंदा उहदी आईडी बंद। नाम संजीव शर्मा, जोमैटो में पिछले 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ इन वर्कर्स के साथ। एक ही मांग है सर, हमारा जो पुराने वाला रेट कार्ड चल रहा था वही रेट कार्ड हमें चाहिए, और कोई मांग नहीं है जोमैटो टीम से। टाइमिंग हम 12 घंटे देने के लिए तैयार हैं, पहले भी देते थे, अभी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाला रेट कार्ड हो जाए। सर आपका नाम? प्रदीप सैनी। आप किस पोस्ट पे सर? मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजर हूँ। ओके सर, सुनने में आया कि इनका इंश्योरेंस है जो 3 लाख का कह रहे हैं, लेकिन इनको मिलता नहीं अगर इनका कोई? नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक तो हेल्थ इंश्योरेंस है जो 1 लाख रुपए का है, और एक एक्सीडेंटल हेल्थ है 10 लाख रुपए का। ठीक है जी। अच्छा, रिसेंटली किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो कोई इशू बना के उसे कैंसिल कर दिया गया, इंश्योरेंस नहीं मिला? सर एक्चुअली वो कैंसिल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बंदा इंश्योर्ड है। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जब भी वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कैशलेस है सारा, फॉर एग्जाम्पल इनको कार्ड्स मिलता है, इनको जो हमारी एक्यूरेलगियर से टाइप है, इनको वहाँ पे सपोर्ट पे कॉल करना होता है, कस्टमर केयर पे, वहाँ पे इनको अपनी आईडी या मोबाइल नंबर बताना होता है, उसके बाद कार्ड आ जाता है इनकी ईमेल आईडी पे। कार्ड आने के बाद ये कैशलेस हॉस्पिटल्स जो उसके साथ अटैच्ड हैं उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट केसेस में हमने देखा गया कि एक्सीडेंट केस में कोई और लेके जाता है उनको, तो वो जाता है या तो सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उस केस में रिम्बर्समेंट का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल उसका अपनी जेब से खर्चा हुआ है 10,000-20,000, तो वो रिम्बर्स करवा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, लड़का सिर्फ एक दिन जाता है और उसी दिन आ जाता है, तो 24 आवर्स के लिए उसको एडमिट होना पड़ता है, उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा सर, इनको की कह रहे हैं कि अगर ये आवाज़ उठाते हैं आपके खिलाफ या जोमैटो के खिलाफ जो भी है, इनको बाद में निकाल दिया जाता है, मतलब कोई दोबारा उसकी रीजॉइनिंग नहीं होती? नहीं सर, एक्चुअली बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। ओके हर एक लड़का नहीं करता है, जैसे यहाँ पे लड़के अगर वो कोई खड़ा हुआ है, अगर वो फ्रॉड करेगा किसी भी टाइप का तो कंपनी उसको निकालती है, क्योंकि उसका इफेक्ट कंपनी पे आता है प्लस हमारे कस्टमर लेवल पे आता है, लेकिन हर एक बंदा नहीं, कोई है वो 0.1% लोग बता। और एक क्वेश्चन हो रहा है सर लास्ट, कि इनमें से कुछ स्टूडेंट भी है, उनको ओवर टाइम करने का प्रेशराइज किया जा रहा है आपके थ्रू? नहीं सर, ओवर टाइम कुछ नहीं, अगर वो पार्ट टाइम करना चाहता है तो पार्ट टाइम 7 बजे शुरू होता है यहाँ पे, तो पार्ट टाइम 7 से 11 या 12, 7 से 11, हाँ, इससे एक्स्ट्रा कर उसके बाद सर शिफ्ट्स हैं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे से काम हो जाता है शुरू और रात के 4 बजे तक चलता है।